नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों में रविवार को चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसमें 15 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि नगर परिषद के चुनावों के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम सहित बूथों पर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कर्मचारियों को चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया है और इस बार हमीरपुर के 11 वार्डों में 15 मतदान केंद्रों पर मतदान करवाया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के चलते बड़े वार्डों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए हैं ताकि लोगों को मतदान करने के लिए इंतजार न करना पड़े। एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि मतदान प्रक्रिया में 4 बजे तक आम लोग मतदान करेंगे, जबकि 4 बजे के बाद कोविड-19 पीड़ितों सहित आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनावों के लिए कर्मचारियों को पूरी तरह से प्रशिक्षण देकर तैयारी करवाई गई है और प्रशिक्षण में चुनाव में ड्यूटी लगे हुए कर्मचारियों को भी वोट करने के लिए फॉर्म भर के प्रक्रिया पूरी करवाई गई है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि कल एमसी के जो इलेक्शन होने हैं, कल वोटिंग डे है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार आज हमीरपुर एमसी के लिए पार्टी मटेरियल इलेक्शन मटेरियल के साथ डिस्पैच कर दिया गया है। इस वर्ष हमने, चूंकि कोविड महामारी भी है, तो इस वर्ष हमने पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ा दी है। पहले 2015 के चुनाव में हमारे पास 11 वार्ड्स के लिए 12 पोलिंग स्टेशन थे, तो इस बार हमने जिन जिन पोलिंग स्टेशन में हमारे 1000 से ज़्यादा वोटर थे, 1500 और 1600 वोटर थे, वहाँ पर हमने उसको बाइफरकेट कर दिया है। उसमें 2 पोलिंग स्टेशन हमने बनाए हैं ताकि वहाँ पर मतदाताओं की संख्या 800-800 हो और लोगों को मतदान करने के लिए भी ज़्यादा वेट ना करना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। 4 बजे तक ये डायरेक्शन दे दी गई है कि उनका जब सेफ अराइवल है तो सेक्टर ऑफिसर हमें रिपोर्ट कर देंगे और 4 बजे के बाद जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वो उसको प्रॉपर कल की तैयारी अरेंज कर ले कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैंडिडेट्स को बिठाना है और कहाँ पर हमने वोटिंग अपॉइंटमेंट लगाना है। गौरतलब है कि हमीरपुर की चारों स्थानीय निकायों में लगभग 22,907 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें लगभग 11,573 पुरुष एवं 11,334 महिला मतदाता हिस्सा लेंगे। मतदान प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। इसके उपरांत कोविड-19 संक्रमित एवं गृह संगरोध में रह रहे इच्छुक मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किया जाएगा।